अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन पैटिस की। चिकन पैटिस की डो भी हम खुद बनाएंगे, उसके अंदर की फिलिंग भी हम खुद बनाएंगे और फिर उसको हम बेक करेंगे। मोस्टली ये होता है कि हम बाहर से जो है चिकन पैटिस की जो पफ पेस्ट्री की डो होती है बाहर से ले लेते हैं और उसके अंदर फिलिंग भर के बेक कर लेते हैं, लेकिन आज हम इसकी डो भी खुद ही तैयार करेंगे। चिकन पैटिस की डो के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है मैदा, 500 ग्राम मैदा यानी आधा किलो मैदा, एक टेबलस्पून सिरका, एक चाय का चम्मच नमक, दो टेबलस्पून तेल, ऑयल नॉर्मली जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, और एक चाय का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट। और इसकी जो हम चिकन की फिलिंग बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए चिकन, इसको मैंने नॉर्मली जैसे बॉयल करते हैं चिकन को वैसे बॉयल कर लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च, नमक, ये सब चीज़ें डाल के मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था और फिर इस तरीके से श्रेड कर लिया है चिकन को। चिकन हमें चाहिए होगी हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, प्याज, शिमला मिर्चें, ये कॉर्नफ्लावर जब हम डो बनाएंगे तब यूज़ करेंगे। दो ग्लास पानी चाहिए डो बनाने के लिए, जो हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। और ये मक्खन है, इसको हम मेल्ट कर लेंगे, ये हम डो में यूज़ करेंगे जब हम अपनी वो डो तैयार करेंगे। अब हम अपनी डो तैयार करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैदा ले लीजिए, इसमें आप नमक डाल दीजिए, सबसे पहले एक चाय का चम्मच, सिरका, ये इंस्टेंट ईस्ट, ऑयल, इन सब चीज़ों को पहले आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये दो कप पानी मैंने लिया था, ये दो कप के करीब पानी है, इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है इसके अंदर। एक अच्छे सॉफ्ट डो आपने इसकी तैयार करनी है। अब पानी एकदम से मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा, ऐसा ना हो कि डो बहुत ज़्यादा गीली हो जाए या बहुत ज़्यादा। डो हमारी अच्छे तरीके से देखें गुन गई है। अब आप इसे ऐसा करें कि इसमें से निकाल के हाथ को हल्का सा इस तरीके से ग्रीस कर लें और इस पर लगा के आप इसे अच्छे तरीके से रब कर लें। सेम बोल में हल्का सा ऑयल लगा के डो पे भी ऑयल लगा के आपने डो को रख देना। ये देखें डो अच्छे से हमारी रेडी हो गई है। इस तरीके से करके इसको कवर करके एक घंटे के लिए रख दीजिए। इसको गर्म जगह पे नहीं रखना है, इसको नॉर्मल जैसे किचन में आप इसको छोड़ दें, किसी भी गर्म जगह पे आपको इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे कवर कर दीजिए और रख दीजिए। डो हमारी तैयार हो गई थी, इसे मैंने इस तरीके से कवर कर दिया और इसे मैं एक घंटे के लिए रख दूँगी, नॉर्मल यहीं छोड़ दूँगी। इसे कहीं ओवन वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसे गर्म जगह पर रखें तो ये राइस होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप इसे नॉर्मल एक घंटे के लिए छोड़ दें, एक घंटे बाद हम इसका जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ करेंगे। एक घंटे के लिए आप इसे रख दीजिए। जब तक हमने डो को एक घंटे के लिए रखा हुआ है तब तक हम अपनी जो बॉयल की हुई चिकन है उसको तैयार कर लेते हैं।
दो टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, ऑयल ज़्यादा मत लीजिएगा। इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे, जो बारीक चॉपी हुई प्याज है ये आप इसके अंदर शामिल कर दें। हरी प्याज डालना चाहते हैं आप हरी प्याज डाल दें, लेकिन मर्जी आपकी, जो आप सुनिंग भरना चाहें इसके अंदर। प्याज का आपने कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे सॉफ्ट करना है आपने। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, इसके अंदर आप सफेद जीरा डाल दें थोड़ा सा। इसके अंदर ये बॉईल हुई थी जिसे हमने चिकन को श्रेड करके रखा था, ये सारी चिकन आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए। साथ ही इसके अंदर आप शिमला मिर्चें भी शामिल कर दें। आप अगर गाजर डालना चाहें गाजर डाल लें, ऑलिव डालना चाहें डाल लें, जैतून वगैरह, ये आपकी मर्जी के ऊपर जो चीज़ें आप इसके अंदर डालना चाहें। थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दें, कुटी लाल मिर्च, ये हरी मिर्चें बारीक चॉपी हुई आप इसके अंदर डाल दें। मैं ये पूरी नहीं डालूंगी, थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि ये बहुत तेज है। ऐसी चीज़ों में मिर्चें कम ही रखनी चाहिए क्योंकि इसके साथ सॉस वगैरह होता है, आप कोई ना कोई डिप जरूर वो करते हैं, इसलिए इन चीज़ों में थोड़ी मिर्चें कम ही रखनी चाहिए। एक टी स्पून इसके अंदर आप काली मिर्च भी ऐड कर दें, तो फ्लेवर अच्छा हो जाता है। हाँ बस चलेंगे, हमारी रेडी हो जाएगी। काली मिर्चों के साथ ही आप इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर दें। मैंने चिकन बॉईल करते में भी डाला था और अभी इसमें मैं क्यूब भी डालूंगी, इसी वजह से आपने इस हिसाब से डालना है नमक वगैरह हर चीज़। हाफ क्यूब आप पेज पेज के अंदर डाल दें, थोड़ा फ्लेवर अच्छा हो जाता है। और बस जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए आप इसका चूल्हा बंद कर दें, ये तैयार है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन उससे वही है कि ये थोड़ा पानी छोड़ देगी सब्जियाँ वगैरह जो है इसमें, इसमें शिमला मिर्चें जो आपने डाली हैं थोड़ी नरम हो जाएंगी, पानी छोड़ देंगी प्याज और शिमला मिर्च अपना, तो हमें ऐसा नहीं करना है। मतलब ये तैयार है, मैं इसे चूल्हा बंद कर दूँगी। डो को हमारी रखे हुए 1 घंटा हो गया, जितना राइस इसको होना था हो गई, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है, बस 1 घंटा रखना है। अब आप इसे खोल के निकाल लीजिए। ये देखें इस तरीके से स्ट्रेच होने वाली डो।
चाहिए, हार्ड ना। ठीक है, अंदर आप इसको अच्छे से पंच कर लीजिए। तरीके से करके आप इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। और इनकी बॉल्स बना लीजिए। चार बॉल्स बना के आपने इसको ऑयल से इस तरीके से ग्रीस कर देना है। मैंने इसे ऑयल से हल्का हल्का ग्रीस किया है और जहाँ पे रखा है वहाँ पे भी ऑयल लगा दिया, और इसी तरीके से ये वर्किंग सरफेस पे मैंने ऑयल लगा दिया है। इसके अंदर खुश्की आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी है, और अब आपने बस इसको इस तरीके से करके या बेलन की मदद से आपने इसको बड़ी रोटी बेल लेनी है आपने इसकी। चाहे आप हाथ से बढ़ा लें चाहे बेलन से बढ़ा लें, आपकी मर्जी है। जितनी पतली बेलेंगे उतना अच्छा है। आपने इस तरीके से पतली सी रोटी बेल लेनी है, चाहे हाथ की मदद से बढ़ा लें। हाथ की मदद से भी बहुत आराम से बढ़ जाती है, क्योंकि इतनी ऑयली होती है ये डो कि आराम से बढ़ जाती है। अगर बीच में से फट रही है, आपको लगे कि जैसे ये बीच में से कहीं फट रही है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर आपने ये कॉर्नफ्लावर जो मैंने आपको बताया था, ये इस तरीके से हल्का हल्का स्प्रिंकल कर देना। यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप इसको इस तरीके से फैला दें। इस तरीके से करके आप पूरी डो पर फैला दें। कॉर्नफ्लावर लगाने के बाद जो मक्खन मैंने आपको 100 ग्राम बताया था कि 100 ग्राम मक्खन को हम डो में यूज़ करेंगे, इसको मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया अच्छे तरीके से। इसके बाद आप इसके ऊपर हल्के हाथ से इसको ब्रश कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा इस टाइप, इस तरीके से इस टाइम पर आपने। हल्का हल्का सा ब्रश कर देना है, फिर ये वाली साइड आपने उठानी है आराम से और इस तरीके से फोल्ड कर देना। फिर इसी तरीके से आपने हल्का हल्का कॉर्नफ्लावर इधर डस्ट करना है। सेम इसी प्रोसीजर से दूसरी साइड भी आपने अपनी उठानी है और ये यहाँ रख देनी है। यहाँ पे भी आपने मक्खन लगाना है अच्छे तरीके से। अब आपने इसको इस तरीके से रोल कर लेना। देखिए मैंने इसको इस तरीके से रोल कर लिया, साइड है आपने इस तरीके से हाथ हाथ की मदद से पतली कर लें। इस तरीके से करके
सारे आपने इसी तरह तैयार कर लेने हैं। तीनों जो हमने पेड़े बनाए उनको आप इसी तरीके से पहले बेलेंगे, फिर उसके ऊपर आप कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा डस्ट करेंगे, मक्खन लगाएंगे, फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसको, और सेम प्रोसीजर से आप इसी तरीके से सारे बना लेंगे। ये लास्ट वाली मैं कर रही हूँ, मैंने कहा आपको दिखा दूँ एक और दफ़ा देख लें। इसको बड़ा बेल लें, हाथ से बेल लें, बेलन से बेल लें, नीचे ग्रीस करके आप इसको बेल लीजिए। फिर इसके ऊपर आपने ये जो मेल्ट किया हुआ बटर है ये आपने लगाना है इस तरीके से, पूरे पे अच्छे तरीके से लगा दें। आपको लगेगा टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, फट रही है, या ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नहीं है, जब वो बेक होगी सब सही हो जाएगा। ये कॉर्नफ्लावर ये आप हल्के हाथों से इसके ऊपर डस्ट करें पूरे पे, ज़्यादा भी गिर जाए तो कोई मसला नहीं है, आप उसे हाथ से फैला दीजिएगा तरीके से करके। फिर आप ये साइड आराम से उठाएं और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दें, या आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है। फिर इस साइड पे आपने हल्का सा बटर लगाना है, चाहे बटर पहले लगा लें चाहे कॉर्नफ्लोर लगा लें, बात एक ही है। बटर लगा के कॉर्नफ्लोर इस तरीके से कर दीजिए। फिर ये दूसरी साइड ये इस तरीके से आपने उठा के यहाँ रखनी है। ये इस तरीके से करना है आपने, इस साइड पे भी आपने बटर लगा देना है अच्छे तरीके से। और फिर ये कॉर्नफ्लावर अच्छे तरीके से इसके ऊपर डस्ट कर दीजिए। और फिर इसको उठा के इस तरीके से यूं करें और इसको रोल करना शुरू कर दें इस तरीके से, करके पूरा रोल कर लीजिए। एंड्स को इस तरीके से स्ट्रेच करें हाथ से, किनारे इस तरीके से आपने हाथ से बढ़ाए और इस तरीके से करके फोल्ड कर दीजिए। इसे 5 मिनट छोड़िए, उसके बाद इसको आप कट कर लीजिए। इनको रखे हुए 5 मिनट हो गए, अब आपने ये लेना है, इसको इस तरीके से बीच में से हाफ कर लेना है इस तरीके से। और फिर ये हमने हाफ ये जो हिस्सा है इसको इस तरीके से यूँ प्रेस करना है और हाथ की मदद से ही आपको इसको बढ़ाना है इस तरह करके। हल्के हाथ से प्रेशर दें, ऐसा ना हो बीच में से फटने लगे। अब ये जो है इस टाइम पे आपकी डो नहीं फटनी चाहिए, उस टाइम पे फट जाए कोई इशू नहीं है ऐसा, लेकिन इस टाइम पे कोशिश करें ना फटे। और ये जो हमने फिलिंग तैयार करी है ये इसके अंदर आप भर के ये देखिए बीच में से थोड़ा पतला कर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना रखें। बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे तो ये होगा कि ये कड़क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है पैटीज आपके कड़क हो जाएंगे। और अगर आप इसे मोटा रखेंगे तो ये नरम रहेगा, तो इसे आप अपने हिसाब से। और फिर इस तरीके से करके उठाते जाएं और ये देखें इसके ऊपर आपको ये नज़र आ रहे होंगे राउंड्स, ये ही इसकी परत बनेगी। बस इसको आप हल्के हाथ से इस तरीके से प्रेस कर लीजिए
बस, और आपको उसको कुछ भी नहीं करना है। इसको इसी तरीके से सबको आप हाफ कर लें बीच में से। अगर आपको ये बड़े लग रहे हैं, आप और छोटा बनाना चाहते हैं, तो आप इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, लेकिन मुझे ये साइज सही लग रहा है तो मैं इतने ही बड़े बनाऊंगी। सारे इसी तरीके से आप रेडी कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इस चिकन के साथ इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ भी रख सकते हैं। मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी श्रेड, तो मैंने ये इसके अंदर इस तरीके से रख के अब मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। इस तरीके से फोल्ड किया, इस तरीके से इसको आप जैसे हम नॉर्मल पराठे वगैरह बनाते हैं आलू के या कचौरियाँ वगैरह, उस तरीके से आपने इसको फोल्ड किया। बस अब इसे आप हाथ से हल्का सा इस तरीके से करके प्रेस कर लीजिए। इस तरीके से मैंने सारे पैटिस तैयार कर लिए हैं। इसे मैंने ओवन की ट्रे में सेट कर लिया एल्युमिनियम फॉइल लगा के। एल्युमिनियम फॉइल को मैंने बस हल्का सा बटर से ग्रीस कर लिया था। अब इसके ऊपर आपने बटर लगा देना है, अच्छे तरीके से बटर लगाना है अब इसके ऊपर आपने। जी तो ये इसके ऊपर मैंने तिल थोड़े से छिड़क दिए, मेरे पास थे मैंने डाल दिए। अगर आपके पास हैं तो डालें, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है डालना। और बस अब मैं इसे बेक करने के लिए रख दूँगी। अवन मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था, 160 टू 180 डिग्री पे आपने रखना है, और 15 से 20 मिनट पहले से आपने इसको प्री हीट होने के लिए छोड़ देना है अवन को। फिर उसके बाद 25 से 30 मिनट आपने इसको बेक करना है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं चिकन पैटीज हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अभी ये गर्म बहुत हो रहा है, मैं अभी आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। आवाज़ से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं गर्म बहुत हो रहा है, लेकिन जैसे फिर चिकन पैटीज हम बाहर से लेते हैं बिल्कुल वैसे ही बने। ये देखें एक एक लेयर आप देख सकते हैं। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे, बिल्कुल ठीक बनेंगे। मक्खन की क्वांटिटी बिल्कुल यही रखिएगा, 100 ग्राम्स मैंने मक्खन यूज़ किया था। सारा जो इसके अंदर असल चीज़ है वो मक्खन का ही है कि हर स्टेप में आपने मक्खन लगाना है और कॉर्नफ्लावर हर स्टेप में लगाना है और फोल्ड अच्छे तरीके से करेंगे तो इसी तरीके से देखें लेयर्स बनेंगी। जैसे ये इसके अंदर लेयर्स बनी आप ये देखें जैसे पेटिस में होती हैं उसी तरीके से। और साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस तरीके का साइज़ रखना चाहें, बड़ा छोटा, मैंने थोड़ा बड़ा रखा है। आप इसके 2 की जगह 3 पीसेस कर लीजिए। इसके अंदर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आप इसको जितना पतला बेलेंगे इसकी रोटी को उतना अच्छा ये बनेगा, उतने अच्छे जैसे वो हमारे परत बनती है पैटिस वगैरह में बाहर की, उसी तरीके से अगर आप इसको पतला बेलेंगे पतला रोल करेंगे जितना, उतनी अच्छी इसके अंदर लेयर्स आएंगी। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। अपना सबका बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।